हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज। आज अपन रेस लेमा करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। जो भी आपकी नेम थ्योरम है वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, तो उनको मिस करके मत जाना। ओके, तो रेस लेमा का स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, लेट एम बी ए क्लॉथ एंड प्रॉपर सब स्पेस ऑफ एन एल एस एक्स। इसका स्टेटमेंट है कि कोई नॉन लीनियर स्पेस दे रखा है अपने को एक्स, सपोज करो ये इसका, ये कोई नॉन लीनियर स्पेस अपना एक्स, और इसका प्रॉपर सब स्पेस, और वो प्रॉपर सब स्पेस क्या है, क्लोज है। स्पेशली प्रॉपर है तो इसका मतलब प्रॉपर क्या होता है, वो ना तो फाई के इक्वल है, ना तो इक्वल टू फाई है। क्या एम प्रॉपर है, तो एम नॉट इक्वल फाई विद एम इज़ नॉट इक्वल एक्स। ओके, देन वी कैन से इट इज़ प्रॉपर। तो यहाँ से और बोल रहा है कि ये प्रॉपर है और क्लॉज है साथ में। देन फॉर एवरी रियल नंबर थीटा इन द इंटरवल 0 to 1, कि ये जो अपना इंटरवल लिया है 0 to 1 ओपन इंटरवल, इसमें हर एक रियल नंबर के लिए जो एक्स अपना नॉन लीनियर स्पेस है उसमें कम से कम एक एलिमेंट, मतलब एक वेक्टर ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसका नॉम जो क्या हो, यूनिट वेक्टर हो, मतलब जिसका नॉम इक्वल टू वन हो, और उस वेक्टर से एक्स की डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा हो। मतलब क्या है कहने का, कि अपन इस इंटरवल 0 to 1, ये जो इंटरवल लिया अपन है 0 to 1, इस 0 to 1 में एक ऐसा रियल नंबर, हर एक रियल नंबर इस इंटरवल के हर एक पर रियल नंबर के लिए जो एक्स अपना नॉन लीनियर स्पेस है उसमें जेड कोई वेक्टर, मतलब इसका सपोज करो हाफ है, तो हाफ के लिए जेड वन मिला अपने को, और ये जेड वन मिलेगा, और उस जेड वन की क्वालिटी क्या है कि ये क्या है, इक्वल टू वन है, मतलब नॉम यूनिट वेक्टर है, और साथ में दे रखा है कि इसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए जेड के इस एक्स के हर एक, मतलब इस एक्स के हर एक एलिमेंट, हर एक वेक्टर से इस जेड की डिस्टेंस होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, जो अपना रियल नंबर है थीटा बिलोंग कर रहा है इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to 1 में। तो ये अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपने को जो भी गिवन है वो लिखते हैं, लेट एक्स बी ए नॉन लीनियर स्पेस और एम इसका क्लोज सब स्पेस है, और साथ में प्रॉपर, प्रॉपर है तो नॉट इक्वल टू फाई लेंगे और नॉट इक्वल एक्स लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर सब स्पेस है तो क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू फाई एक्स नहीं है, एम इज़ नॉट इक्वल एक्स, मतलब क्या है, एम के सारे एक्स के सारे एलिमेंट एम में नहीं आ रहे है, तो एम का ही देखो ये एक्स बनाया मैंने और ये एम ले लिया, कहने का मतलब बी ए है कि आ तो इसके एम के एलिमेंट्स ही रहे, एक्स के एलिमेंट ही रहे एम के, बट वो कंप्लीट एलिमेंट नहीं आ रहे, कुछ एलिमेंट छूट रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब कुछ एलिमेंट छूट रहे हैं, तो इन दोनों का मैं डिफरेंस करूँ, एक्स माइनस एक्स में से एम को घटा दूँ तो ये वाले एलिमेंट बचेंगे, तो इज़ नॉट इक्वल टू फाई। अब सपोज करो मैंने एक एलिमेंट ले लिया वी जो एक्स में है बट एम में नहीं है। ओके, वो यहाँ पे ले लिया, ऐसे मान लो एक वी एलिमेंट ले लिया जो एम में नहीं है, डज नॉट इन बिलोंग इन एम बट वी बिलोंग इन टू एक्स, तो किस में हो गया, एक्स माइनस एम में हो गया। अब देखो ये एम में ले लिया अपन ने, एक एलिमेंट लिया था एम में, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये अपना एलिमेंट था वी जो एम में है, एम में नहीं है बट एक्स में है। ओके, तो इस एम से इस एक्स इस एलिमेंट की डिस्टेंस निकालें अपन, तो एम के जो सबसे सबसे पास वाले, मतलब एक्स इधर इस एलिमेंट के सबसे पास वाले वेक्टर से ही तो डिस्टेंस निकालेंगे, इनफिमम डिस्टेंस निकालेंगे। तो मैंने वही लिखा है कि सपोज करो मिनिमम डिस्टेंस डी है, तो डी इक्वल हो गया वी से एम की डिस्टेंस, मतलब जो अपना वी पॉइंट है, वी वेक्टर है, उससे एम की डिस्टेंस क्या होगी, इनफिमम एम के सबसे नियरेस्ट वेक्टर से इन दोनों का डिफरेंस का नॉर्म डिस्टेंस, हमेशा नॉर्म डिस्टेंस ही होती है, ये सबको पता है। तो वही सब लिया, इनफिमम नॉर्म ऑफ वी माइनस एक्स, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एम, मतलब एम के सारे एलिमेंट से वी की डिस्टेंस है, और उसका इनफिमम क्या आ गया, डी ले लिया अपन ने।
इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अब अपने को पता है कि v नॉट इक्वल टू x, क्योंकि v क्या है, x में है, कैपिटल x का एलिमेंट है, और जो x एलिमेंट लिया है वो अपन ने m का लिया है, तो अपने को पता है कि ये इक्वल तो हो नहीं सकते, x डज नॉट इक्वल टू v, देन ये डिस्टेंस ज़ीरो तो आ नहीं सकती, क्योंकि ज़ीरो तभी आएगी जब ये दोनों v इक्वल x होगा, तभी डिस्टेंस ज़ीरो आएगी, अदरवाइज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नॉर्म लगा हुआ है तो पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्फिमम फॉर ऑल x बिलोंग टू m के लिए जो डिस्टेंस अपनी वो ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो है। तो यहाँ से क्या लिख दिया, v माइनस सेम, इसी स्टेप को फॉर्म अलग अलग फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि अपने ये फॉर्म काम में आएंगे आगे। तो नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल d फॉर ऑल x बिलोंग टू m, सेम वही बात। अब अपने को क्या लेना है, अपने को दिखाना है कि एक z ऐसा मिलेगा, z जो जिसकी मतलब लेंथ नॉर्म निकालो वो यूनिट वेक्टर, मतलब नॉर्म इसकी 1 है, और इससे ये डिस्टेंस कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल थीटा है, ग्रेटर देन डायरेक्ट ग्रेटर देन ही है, इक्वल नहीं है। ओके, तो लेट थीटा बिलोंग टू 0 to 1, ये ले लिया मैंने एक रियल नंबर, इज़ ए रियल नंबर, एंड लेट कोई मैंने पॉइंट ले लिया एक्स नॉट, ओके एक्स नॉट बिलोंग कर रहा है एम में, दूसरा पॉइंट ले लिया अपना एम का, यहाँ पे एक्स चल रहा है तो एक्स नॉट एक पॉइंट ले लिया। अब मैंने बताया कि एक्स नॉट एम का पॉइंट है, तो वी से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, या तो जो सबसे नज़दीक वाला पॉइंट होता होगा तो डी इक्वल टू डी होगी, अदरवाइज डी से बड़ी होगी, क्योंकि अपन ने इन्फिमम डिस्टेंस क्या लिया, डी ली है, और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इससे कम होगी, डी अपॉन थीटा से, ओके लेस देन ही होगी, बिकॉज अपन ग्रेटर देन ले, यहाँ पे देखो डी अपॉन थीटा की ग्रेटर देन ले, ये वाला करो कि मैं क्या बता रही हूँ, सपोज़ करो मैं वी माइनस एक्स नॉट की डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल थीटा लूँ, डी अपॉन थीटा, तो यहाँ से क्या आएगा कि, और ये वाला क्या बता रहा है, वी माइनस एक्स नॉट की डिस्टेंस इससे बड़ी है, राइट तो इसके अकॉर्डिंग अपन थीटा क्या लेते हैं, थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 to 1 में, ओपन इंटरवल सपोज करो थीटा की वैल्यू हाफ ली मैंने, तो यहाँ पे हाफ रखूँगी, तो ये कितना जाएगा 2d, तो ये बोल रहा है 2d से बड़ी है, ये बोल रहा है डी से बड़ी है, तो इन्फिमम अपना क्या है, डी है, और यहाँ से इन्फिम इससे बड़ी हो जाएगी, इन्फिमम क्या हो जाएगा 2d, बट अपन जो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये इन्फिमम क्या होती है, जो लोअर बाउंड होते हैं उसमें मैक्सिमम वैल्यू, तो इसके अकॉर्डिंग तो 2d क्या हो जाएगा, इन्फिमम हो जाएगा, राइट ये इन्फिमम हो जाएगा, बट अपन इन्फिमम क्या माना है, डी माना है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, इसकी वजह से ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल डी अपॉन थीटा। ओके, तो अपना ये एक वेक्टर बन गया वी माइनस एक्स नॉट, एक्स का वेक्टर जिसकी डिस्टेंस मतलब जिसकी लेंथ डी से तो बड़ी है और डी अपॉन थीटा से छोटी है। ओके, अब अपन इसी वेक्टर को जेड के फॉर्म में बना लें, तो जेड इक्वल मैंने अज्यूम कर लिया, लेट जेड इक्वल लिया मैंने वी माइनस एक्स नॉट अपॉन वी माइनस एक्स नॉट, नॉर्म ऑफ वी माइनस एक्स नॉट। ओके, तो यहाँ से इसका अब देखो, अब जेड एज्यूम किया है, इसी से बनाया अपन ने वी माइनस एक्स नॉट से, तो अपन को ये भी दिखाना पड़ेगा ये जो जेड है इसका नॉर्म इक्वल 1 है, क्योंकि फर्स्ट अपने को यही प्रूफ करना था। तो इसके दोनों साइड नॉर्म लोगे आप, नॉर्म ऑफ जेड इक्वल हो जाएगा नॉर्म ऑफ वी माइनस एक्स नॉट अपॉन मतलब टोटल के नॉर्म ऑफ वी माइनस एक्स नॉट, तो नॉर्म पे नॉर्म डिफाइन करोगे तो वो नॉर्म ही बनेगा, तो ऊपर वाले पे क्यों नॉर्म लग जाएगा, यह बना वी माइनस एक्स नॉट का नॉर्म, तो यहाँ से ये कैंसिल 1 हो गया, तो ये आ गया नॉर्म ऑफ जेड इक्वल 1। एक काम प्रूफ हो गया अपना, मतलब फर्स्ट स्टेप प्रूफ हो गई, अब सेकेंड दिखाना है, नेक्स्ट वी विल प्रूव दैट कि ये जो जेड में से एक्स निकालूँ मैं, इन दोनों का डिफरेंस से जो वेक्टर बनेगा उसका नॉर्म क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल थीटा आना चाहिए। तो नेक्स्ट अपना यही क्वेश्चन यही प्रूफ करना था, तो अपन ने जेड क्या लिया है, ये वाला जेड अपन ने कंसिडर किया है, राइट अब इसमें से हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो दोनों साइड, अब देखो ये वाला है वी माइनस एक्स नॉट का नॉर्म है, इसको मैंने ताकि अपनी स्टेप बड़ी नहीं हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं आए, तो मैंने क्या करा कि एक्स माइनस वी अपना क्या बनेगा, स्केलर बनेगा, वी माइनस एक्स नॉट, तो
क्योंकि इसका नॉर्म है, नॉर्म हमेशा क्या डिनोट करता है, लेंथ को डिनोट करता है, तो मैंने इसको अल्फ़ा अज्यूम कर लिया कि लेट अल्फ़ा इक्वल वन अपॉन वी माइनस एक्स नॉट। ओके, तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा मल्टीप्लाई इसकी जगह अल्फ़ा रख दिया वन अपॉन इसकी जगह, और ये क्या हो गया वी माइनस एक्स नॉट। अब अपने को क्या निकालना है, वी जेड माइनस एक्स निकालना है, तो जेड इस दोनों साइड इसके क्या कर दो, माइनस एक्स कर दो, और साथ में नॉर्म निकालना है, तो नॉर्म लगा दो, नॉर्म जेड माइनस एक्स इक्वल, अब इसके माइनस और नॉर्म, अल्फ़ा वी माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स। अब इसमें अल्फ़ा कॉमन ले लो, तो ये क्या बनेगा, अल्फ़ा इसमें ऑलरेडी अल्फ़ा है तो 12 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, और ये माइनस, ऊपर नीचे अल्फ़ा करो, ऊपर वाला अल्फ़ा निकाल लिया, तो नीचे क्या बचा, एक्स अपॉन अल्फ़ा बचा। ओके, अब अल्फ़ा स्केलर है, स्केलर के ऊपर नॉर्म ऑपरेट हो रहा है, अब यहाँ से देखो स्केलर के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, नॉर्म ऑपरेट कर रहे हैं, तो स्केलर जब बाहर निकलता है नॉर्म से तो क्या आता है, मोड के फॉर्म में, और अल्फ़ा ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्योंकि अपने को पता है v माइनस एक्स कभी भी क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, राइट। तो ये क्या कर लिया अपन ने, अल्फ़ा को बाहर निकाल दिया, अल्फ़ा ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये अल्फ़ा ऐसा का ऐसा, और यहाँ से क्या बन गया, v माइनस एक्स नॉट, अल्फ़ा इधर है तो ऊपर ले लिया, तो इन्वर्स आ गया, अल्फ़ा इन्वर्स एक्स, राइट। अब ये मैंने इसमें और इसमें नेगेटिव साइन कॉमन आउट ले लिया, तो ये बना एक्स नॉट प्लस अल्फ़ा इन्वर्स एक्स। अब यहाँ से क्या करना है कि ये वाला अपने को किस में दिखाना है, v माइनस ये m में दिखाना पड़ेगा टोटली, क्योंकि x नॉट भी किसका एलिमेंट है, m का, और ये x भी किसका एलिमेंट है, m का एलिमेंट है, सिंस x नॉट एंड x बिलोंग टू m, तो इन दोनों का अपन ऐड करें इन दोनों को, तो ये किसका बनेगा, सपोज करो मैंने अल्फ़ा x1 बना दिया, इसको नया एलिमेंट बन गया इन दोनों के स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, इसको स्केलर मल्टीपल किया और इसको ऐड किया, तो ये क्या बन गया, नया एलिमेंट x1 बन गया, ये दोनों m नो m के एलिमेंट है, तो नया एलिमेंट बनेगा वो भी m का होगा, तो अपना क्या बना v माइनस x1, ये भी इसकी जगह x1 रख दिया, ये अल्फ़ा ऐसा कैसा। अब देखो यहाँ से अपना v माइनस x1, अब ये पता है ग्रेटर देन ये किसका, मतलब v से x1 की डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल d आएगी, ये अपन ने कंसिडर किया है, राइट। तो यहाँ से क्या करें, जो अपन ने अल्फ़ा वैल्यू ली है, ये जो अपने माना था इक्वेशन इनइक्वालिटी ए दी थी कि लेस देन इक्वल क्या है, थीटा अपॉन डी है, सॉरी डी अपॉन थीटा है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, देखो यहाँ तक अपन पहुँच गए अल्फ़ा, अब अपने को डी थीटा लाना है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, डी अपॉन थीटा अपॉन डी आनी चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू, तभी आएगा, तो इसकी वैल्यू अल्फ़ा अपॉन थीटा अपॉन डी कैसे होगी, अल्फ़ा की वैल्यू ये तो अपन ने क्या रख दिया, स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ से ध्यान से देखना, नॉर्म ऑफ वी माइनस एक्स वन, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल डी होगी, और सेकंड अपने को निकालनी है जो अल्फ़ा वैल्यू है वो निकालनी है, इस अल्फ़ा की वैल्यू अपन थीटा अपॉन डी रखेंगे, तभी तो अपना कैंसिल होकर इसका ग्रेटर देन थीटा बनेगा, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू थीटा अपॉन डी कैसे आएगी वो देख रहे हैं, अपने को पता है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा इक्वल है वन अपॉन नॉर्म ऑफ वी माइनस एक्स नॉट। ओके, ये अपनी अल्फ़ा की वैल्यू है, और ये अपने को क्या पता है कि अपन ने लिया था नॉर्म ऑफ वी माइनस एक्स नॉट की वैल्यू लेस देन इक्वल थीटा डी अपॉन थीटा है, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू करेंगे, तो मतलब इसको इसकी वैल्यू अपन क्या रखेंगे, वन अपॉन है तो दोनों साइड इसको क्या करो, वन अपॉन कर दो वी माइनस एक्स नॉट, ये इतर ग्रेटर देन थीटा अपॉन डी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आई, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, थीटा अपॉन डी आ गई, तो ये क्या हो गया, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, इसकी जगह अपन बड़ा रख रहे हैं, तो ये वाला साइन बड़ा हो जाएगा, राइट, तो ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा थीटा अपॉन डी, तो अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल थीटा अपॉन डी, तो ये वाली वैल्यू अल्फ़ा की जगह अपन रखेंगे यहाँ पे, थीटा अपॉन डी सारा का सारा काम मैंने इधर कर रखा है, तो ये कैंसिल होके क्या बन गया, थीटा बन गया, यही अपने को प्रूफ करना था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम अच्छे से करके जाना।